गाड़ी कैसी लगी वैसे? बहुत बढ़िया। ओरिजिनल ठीक है? ठीक है, ओरिजिनल ठीक है। तो हालत बुरी थी इसकी। ये गाड़ी है 1991 की, 1991 की, लाइक जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो कौन सा मॉडल है भैया? 91 साल हो गए गाड़ी। सो मैंने ओपन जीप दी थी अपनी सर्विस के लिए, लाइक काफ़ी टाइम हो गया था सेम, क्योंकि ऑलरेडी लंबा कैंप चल रहा था फाइट से पहले, फाइट के बाद मुझे टाइम मिला नहीं, और अब जाके टाइम मिला था। तो ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या 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 सर्विस हुई है उसकी। लेट्स गो। तो रेड ले ली मैंने, एक बैरिंग टूटे हुए, एक बैरिंग सही नहीं, एक सिलेंडर सही नहीं गाड़ी के, कमाने के पट्टे टूटे हुए सारे। अब फिर बढ़िया चल रही? अब तो भयंकर गोली चल रही पूरी। अच्छा, ग्रीस बन रखा, ग्रीस लिए हार्ड रेल इसमें पूरा ग्रीस बना पड़ा है। डिसेंबल टेंथ करवा दो। फाइटर्स कोच का मैसेज आ रहा है, remember the goal it is just to get in the gear to dominate once you are in, if that means spending some time to sharpen the tool. Exactly. यानी जो हमारे माइक कोच हैं, मतलब जो हम सोमा में थे, तो उनका मैसेज आ रहा है मुझे, तो वो यही कह रहे कि अगर फोक नहीं है तो कीप इम्प्रूविंग, कीप ट्रेनिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अमेजिंग, यानी काफ़ी कुछ सीखा मैंने इनसे। प्रॉबली अगर MFN 11 में फ़ाइट मिलती है, किसी को फ़ाइट मिलती है, तो हम यहीं जाएंगे अपना क्या कहते हैं कैंप लेने इंडोनेशिया में। आई मीन एक फ़ायदा यह इंडोनेशिया में जाने का कि एक तो उसका क्या कहते हैं उसे वीज़ा का, वीज़ा अराइवल है और एक महीने का है, और जब हम थाईलैंड जाते हैं तो 2 हफ्ते का होता है सिर्फ, 2 हफ्ते के बाद हमें एक्सटेंड करना होता है वो 1 हफ्ते के लिए, तो जहाँ से हम 21 दिन रुक सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ महंगा ही बहुत है, इंडोनेशिया में थोड़ा सस्ता है तो चल जाता है। और सोमा फाइट क्लब में एक्चुअली उन्होंने एज अ फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया था लास्ट टाइम, काफ़ी कुछ सिखाया। एक अच्छा कोच सिर्फ आपको होल्स बताएगा बस, लाइक होल्स पे काम कराएगा वो, तो इंडोनेशिया में यही सीन था पूरा। तो मगर कोई फाइटर्स इंडोनेशिया में जाना चाहते तो सोमा बेस्ट आप लोगों के लिए। लेट्स गो। अच्छा ये तेल निकल रहा है इसका जी? अभी भी अरे भैया बहुत काम निकला इसके अंदर, कसम से कह रहा हूँ। अब ये है कि आपको साल महीने साल भर काम होने के बाद कुछ भी नहीं है। इसका क्या है? बहुत कमजोर है, पेस लाने से फट रहा है। अच्छा दूसरी लिखानी पड़ेगी, दूसरी बनानी पड़ेगी, मतलब स्टार्टिंग में ही वो चढ़ा देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लोहे की बन जाए ना सीट, इसके बोल्ड निकले हुए ना यार, बहुत हल्का है वो, पेच मारे गल के निकल रहा सारा। अच्छा अच्छा इस चक्कर में छेड़ दी मैंने, टूट जाएगा फायदा क्यों बाबा? बड़ा हैंड लग जाएगा, सही नहीं बनाया ये, पता है क्या मैं भैया को भेजूंगा अपने हिसाब से मुल्तानी के पास, दीपक समझ गए और दीपक बढ़िया मुल्तानी का फोन आया था मेरे पास, फोन का वो कह रहा था यार तूने क्यों बनता है उनका काम सारा मॉडिफिकेशन का, मुल्तानी हार्ड टॉप नॉर्मल टॉप जो टॉप बनवाना जैसे रूप बनवानी है। कहाँ पर है वो? त्यागी रोड पे है, मैं आपको नंबर देकर उसका लोकेशन अपना मंगवा लेना, वहाँ जाना जो भी करवाना ठीक, हमारे हैंड का जो भी था मैंने सारा करवा दिया था टोटली, इसका जो भी मैकेनिकल था जो भी सस्पेंशन करके दे शीशा भी आपका कोई दिक्कत नहीं। कर दो यार एक ही बार कर दो यार भाई। हाँ एक बार ही होगा पूरा होगा, डालो सजा। इसका ये जंग कैसे हटेगा यार? जो ही लग रहा है पेंट या कुछ, पेंट उस पर वो हो गया क्या नाम है वो आता तो है क्या बोलते हैं उसको, अरे मैं खुद भूले दिन भर मेरा काम ही है भूल गया सर, देख लो एंटी रेस्ट, एंटी रेस्ट, एंटी रेस्ट आता है वो जंग के लिए होता है पूरा, एंटी रेस्ट, एंटी रेस्ट। अच्छा
तो ये गाड़ी ली थी मैंने 5-6 महीने पहले शायद, तो ये ऑक्शन पे थी, तो ये मतलब पहले भी डाली मैंने इसकी वीडियो, पर पहले मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई थी कभी, इधर टाइम मिला नहीं था, तो अब जाके टाइम मिला है, यू नो फाइट हो चुकी है, मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। तो ये गाड़ी मुझे पड़ी थी लगभग, ये नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है, पर ये गाड़ी है 1991 की, 1991 की, लाइक जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो इसमें जैसे मुझे 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है इसकी, जैसे कि पुराना वाला सेल्फ वाला स्टार्ट हो गया, यू नो पहले होल्ड करो फिर रेड होगा फिर स्टार्ट होगी, और डीजल की गाड़ी है और इसमें जैसे गियर भी 4x4 है स्टार्टिंग के, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब बहुत से लोग कहते हैं भाई इंजन का वो चेंज करा दो, क्या कहते हैं इंजन चेंज करा दो, इसमें 2000cc का इंजन है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंजन चेंज करा दो या फिर उसका सेल्फ का वाला करवा दो, यू नो कि स्टार्ट किया हो गया, बस फिर वो मज़ा नहीं रहेगा ना, वो क्लास नहीं रहेगी। अभी लाइक इसकी उतनी परवाह नहीं है, लाइक अभी 2022 चल रहा है, लाइक इसको कितने 30 साल हो गए लगभग, 31 साल, 2023 31 साल 23 होने वाले हैं, 31-32 साल हो गए, एंड देन 20 साल बाद जब ये गाड़ी रहेगी तब देखना इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू नो। सो आज हमारा व्लॉग आने वाला है वैसे 5 बजे, मतलब तब तक ये व्लॉग लेट हो जाएगा, बट प्रॉपर हम टीम को दे रहे हैं अपना चैनल, पूरा चैनल से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फाइटर मैनेजमेंट हो गया, एंड पूरी टीम सेट कर रहा हूँ मैं एक, और काफ़ी कुछ होने वाला है अब ऑब्वियस है, यू नो। इसके बाद जो नेक्स्ट गाड़ी हो मैं कॉन्टेसा लेना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा महंगी मिल रही है क्योंकि जिस हिसाब से उतनी पुरानी है, जितना उसका होना नहीं चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन मैं अभी रेंज के अंदर ढूंढ रहा हूँ जितना भी मिलता है, एंड देखते हैं कहाँ से। हाँ काफ़ी टाइम हो गया, 5 महीने हो गए। अच्छा पहले मैं इधर स्टार्टिंग में ना 12-13 में यहीं पे था, पहले उधर था ना, पहले मैं स्टार्टिंग में यहीं पे था, मैं जब मैंने वर्कशॉप शुरू करी थी 12-13 में यहीं था, फिर मैंने 15 में चेंज किया जब फ्लाई ओवर बनने शुरू हुए थे 16 में। तो अब वहाँ पर गया, किसी और का है वहाँ पर कोई और नहीं। ये हमारे आतिक भाई हैं, ठीक है, मैंने थार यहीं दी थी पहले लास्ट टाइम, जो अपना पूरा सेट कराने के लिए, पूरी न्यू करने के लिए। अभी मैंने जीप दी है, ओपन जीप, तो सर्विस हुई है इसमें और पुराना जो भी काम था इसमें, कोई भी आ सकता है, मेरा रेफरेंस देके थोड़ा बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, जो भी गाड़ी सर्विस हो गया जो भी है। गाड़ी कैसी लगी वैसे? बहुत बढ़िया, ओरिजिनल ठीक है, ठीक है ओरिजिनल ठीक है, हालत बुरी थी इसकी, बहुत ज्यादा बुरी थी, मतलब ये है कि मैं क्या बताऊँ, सीएल तक के चेंज नहीं था बिल्कुल, ऐसा ग्रीस बनने का सीएल सारा इसका, गियर ऑयल चेंज ही नहीं करा जिस ओनर के पास पहले गाड़ी थी। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 30 साल पुराना गियर ऑयल, हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये है कि 10 साल पुराना तो हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 10 साल हो सकता है, सर्विस करवाया खड़ी कर दी गाड़ी चली नहीं बिल्कुल, जम के ग्रीस बन रखा सारा, ये सारे कमानी के पट्टे टूटे हुए थे इसके, टोटली जितने थे टंकी फुली कराई थी मैंने उस समय, पानी मेरी फाइट थी, किसी ने ढाली है, इस पे आ गए 1 लाख व्यूज आ गए हैं, पहले आई थिंक किसी ऐसी लड़के ने ढाली थी और बाद में इसने अपना नाम चेंज करके MMA इंडिया कर दिया, लैपटॉप पे ये वीडियो, पर सही है ठीक है, बाकी और की फाइट भी ढाली है इसने शायद, सही है सही है। सो वैसे अगर आपको पूरा फाइट कार्ड देखना है तो वो हॉट स्टार पर है अभी भी, MFN 10 डालोगे आप मिल जाएगा आपको डिजनी हॉट स्टार पर, ऐसे पेंट कराएंगे वाला पेंट, कौन सा वाला? यही वाला ना, हाँ साइन में लेकिन करवाना, दल में मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। कौन है मॉडल भैया? 91 देखो इसकी, हाफ सेल्फ जब लेके आया ना, 2 दिन में लग गया मैं इस गाड़ी को, उसकी कंडीशन थी, दिन तो सर बढ़िया बन गया इसका, कितना हो गया? अरे 18,000, बहुत ज्यादा रेस्टिंग है इसकी। क्या क्या चेंज कराना है? कूलेंट जो मैंने भी डाला ना, कूलेंट इसके अंदर वो चेंज करवा देना। कितने टाइम में? हाँ कितने टाइम में? 25-30 महीने भर बाद, क्योंकि अंदर पूरे में जंग है इंजन के अंदर, वो कूलेंट सारा घोल देगा, सारा काट देगा, फिर निकाल के 2 लीटर डाल देगा, कूलेंट ज़्यादा नहीं 600 रुपया, कोई ऐसी में आपने एक हीटर लेनी है बस,
मॉर्निंग में, उसके बाद पीटर मॉल। अभी जैसे 15-20 दिन तक नहीं चलाया तो क्या होगा? कुछ कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग जब स्टार्ट करने से दोबारा फिटर लेना है, इससे पूरी चाबी पुश नहीं करनी है, बार बार करनी है। जैसे अभी आप सेल मारो गाड़ी खड़ी स्टार्ट हो जाएगी आप, तो आप रात भर चलाओ दिन में चलाओ तो ये मना नहीं करेगा स्टार्ट होने के लिए। ये भी क्या है इसका? आराम से क्लच दबा के सर, आराम से गियर डाल ले सर, बिल्कुल प्यार से अंदर डाल लेगा, एक बार में डल जाएगा, बिल्कुल पोजीशन बनाओ सर इसका, एक बार में डल जाएगा। जरा सा भी पिले ज्यादा होते हैं ना इसमें, रॉड होते हैं इसमें, ये होता है कि बैरिंग सिस्टम होता है हर बार की तरह, क्लच प्रेशर बैरिंग रिलीज कर रहे हो उसे, तो रॉड है इसके अंदर। बस कर लो स्टार्ट, हो जाएगी जरूरत नहीं है। Thank you.